इस प्रयोग का उद्देश्य ऑक्सीकरण और संकलन अभिक्रियाओं के बारे में अर्थात फैटी एसिड्स के बारे में जानना है। इसके लिए हमें इथेनॉल, तनु सोडियम कार्बोनेट, तनु पोटेशियम परमैंगनेट, टिंचर आयोडीन, मूंगफली का तेल, कुसुम का तेल, वनस्पति घी, ड्रॉपर, बर्नर या स्पिरिट का दिया और परख नलिया ये चाहिए। भाग एक, इथेनॉल का ऑक्सीकरण। हम परख नली में 2-3 मिलीलीटर इथेनॉल लेंगे और उसमें 5 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट विलयन मिलाएंगे। इस मिश्रण को हम बर्नर या स्पिरिट के दिए पर गर्म करेंगे। इस मिश्रण में हम बूंद बूंद कर पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएंगे। उसे धीरे धीरे चलाते रहिए। हम देख सकते हैं कि इस मिश्रण का रंग बदल कर धीरे धीरे अब गुलाबी होने लगा है। हम देख सकते हैं कि आरंभ में गुलाबी रंग गायब होते जाता है, पर जैसे जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट की ये क्रिया करते रहते हैं, गुलाबी रंग नहीं जाता अपितु वैसा ही बना रहता है। भाग दो, फैटी एसिड के साथ संकलन अभिक्रिया। हम एक परख नली में 4 मिलीलीटर तेल लेंगे और उसमें टिंचर आयोडीन की कुछ बूंदे मिलाएंगे। उसके बाद हम परख नली को अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये प्रक्रिया अब अन्य तेलों के साथ भी दोहराएंगे, जैसे कुसुम तेल, सूरजमुखी का तेल, वनस्पति घी इत्यादि। वनस्पति तेल असंतृप्त यौगिक होते हैं जिनमें एक से अधिक बंध होते हैं। संकलन अभिक्रियाओं के कारण वे संतृप्त यौगिक बनते हैं। जब मिश्रण में आयोडीन मिलाया जाता है तब वह तेल के असंतृप्त अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है और संतृप्त यौगिक बनाता है। आयोडीन का रंग भी गायब हो जाता है। इसका अर्थ है कि संकलन अभिक्रिया में आयोडीन पूर्ण रूप से इस्तेमाल हुआ है। आयोडीन का यह प्रयोग इस बात का द्योतक है कि वनस्पति तेल में अधिक बंध होते हैं। मूंगफली के तेल में, कुसुम के तेल में और सूरजमुखी के तेल में रंग गायब हो जाता है, पर वनस्पति घी में यह रंग जो कि त्यों बना रहता है।